तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कृष्णा इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो फ़ोन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और फिलहाल जो मेरे हाथ में वो वीवो V11 Pro, तो वीवो V11 Pro या फिर काफ़ी सारे वीवो के फ़ोन हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है थीम्स को लेकर, कि वो लोग जो है थीम्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है थीम्स अप्लाई को लेकर। तो आज की इस वीडियो आपको जो है सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी थीम्स की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको मैं यहाँ पे वीडियो स्किप करके नहीं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, और इसमें यहाँ तक कि मैं आपको फाइल भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। जैसे कि डाउनलोड के लिंक देता हूँ तो बहुत सारे लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें सारा कुछ बताऊँगा। और इसमें जो है गाइज, आपको फाइल डायरेक्टली नहीं मिली, कुछ स्टेप दिए गए हैं जिस तरीके से आपको करनी है, कुछ स्टेप करने हैं जो कि आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो यार जल्दबाजी में कि डायरेक्टली आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना गाइज, क्योंकि कुछ स्टेप हैं इसमें जो कि आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या गाइज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना आई थीम्स दिखा देता हूँ कि जो मेरा लेटेस्ट वर्जन है वो फिलहाल मैंने अपडेट नहीं किया है 5 वाला, ठीक है, और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अब आपको इसे 6 पॉइंट में कैसे अपडेट करो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फाइल दी है, उस फाइल को डाउनलोड करना है। तो वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा डायरेक्टली, क्योंकि डाउनलोड करने को बोल देता हूँ तो यार डाउनलोड नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो चलिए, मैंने ये फाइल दी है, ये मैं जो है सीधा सा इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे गाइस, ठीक है, तो आपको सिंपल सा वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा क्लिक करती है, और किसी जगह पर क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको जाना है और यहाँ पे आई एम नॉट ए रिवॉर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैप्चा वगैरह मांग सकता है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चा मांगता है तो ठीक है, और राइट हो जाता है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा में मुझसे क्वेश्चन किया गया है, बस लिख दिया कि बस, तो यहाँ पे बस का जो जितनी फ़ोटो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है हमें। जैसे ये 3 फोटो मैंने सिलेक्ट की, और प्लीज़ ऑल्सो चेक न्यू इमेजेस, तो यहाँ पे से बस आपको बस ही सिलेक्ट करनी है गाइज। तो यहाँ पे और कहाँ है, बस ये है बस, उसके बाद वेरीफाई कर दें, वेरीफाई जो है आपका हो जाएगा। देख सकते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट बता दी गई है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और हो गई। 3 को आपको सिलेक्ट करना रहता है और फिर उसके बाद वेरीफाई हो जाता है। तो देखिए, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ टाइम स्टार्ट होता है, इसको छोड़ देना है, आपको नीचे जाना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर आपका टाइम जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 14 सेकेंड मिलते हैं, इसको फिर सोने देना है, और उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो प्लीज वेट लिखा है वो आपका लिंक रेडी हो जाएगा। तो यार यहाँ पे रेडी हो चुका है, और सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पे जब आप आ जाते हो तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी फाइल। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, और डाउनलोड कैसे होगी वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम लग जाए कि नेट की प्रॉब्लम है शायद इसलिए, बट आपकी जो फाइल है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और डाउनलोड के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब ये जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं कि जो फाइल है मेरी डाउनलोड होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी फाइल डाउनलोड होने लगी है। अब मैं इसको साइड करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि गूगल नॉट सपोर्टेड वगैरह बता देता है। ठीक है गाइज, तो नॉट सपोर्ट वगैरह अगर बता देता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सिंपल आपको अपने ड्राइव के ऑप्शन में जाना है। जब आप बता दें कि हाँ ये नॉट सपोर्ट बोल रहा है, ड्राइव में जाना है, यहाँ पे जाना है होम पे, और यहाँ पे जो आपकी थीम से वो यहाँ पे ऊपर ही आ जाती है, मतलब यहाँ पे शो करने लगता है। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए गाइज, मैं आपको जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी होगी, तो अभी 17 MB लगभग होने वाली है डाउनलोड, तो मेरी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है गाइज। आपको एक लिंक और दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जो कि ES फाइल मैनेजर, उसको भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जो कि है इसे डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपको इंटरनल में जाना है, या फिर जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं यहाँ पर जाता हूँ, और ये जो मेरी जो फाइल थी वो ये है। तो चलिए, मैं इसको साइड रख के दूसरे फोल्डर में कर लेता हूँ, तब मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस फाइल को रख लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी फोल्डर में रख लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस फोल्डर में रख लेता हूँ,
DWT में ही रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ के जी जो फाइल है आपकी, आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद में आपको यहाँ पे XML काट के जिप कर देना है। या दोस्तों जैसे आप जिप करोगे उसके बाद में आपको फिर से सिलेक्ट करना है, और फिर से आपको सिलेक्ट करके अब आपको यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कर देना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है इसको। तो मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और ये देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ तो जो मेरी फाइल है एक फोल्डर के रूप में आ जाती है। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरी जो थीम्स का फोल्डर है, APK फाइल है, वो यहाँ पे मिल जाएगी। आप सिंपल इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज ये मैंने इतना फाइल बना के इसलिए दी क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिंक दिया था, तो उसमें डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मुझे देना पड़ा लिंक, ठीक है, XML बना के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका फाइल का लिंक जो उसका है वो आपका लेटेस्ट वर्जन हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं थीम्स का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है 6.0.0.0, यानी कि बहुत ही अच्छा वर्जन आपको मिल चुका है, और आप इसमें जो भी आपकी थीम्स अप्लाई की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और आप बहुत ही आसानी से थीम्स को अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थीम्स भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से दो थीम्स ले लेता हूँ, MIUI डार्क और सैमसंग S10 की, दोनों कॉपी करता हूँ, और DWD फोल्डर में मैं जाता हूँ सीधा, और यहाँ पे T फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ गाइस। तो यहाँ मैंने T फोल्डर में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और इन दो फाइलों को मैं डिलीट मारता हूँ, और यहाँ पे देख ले पेस्ट की, और मैं यहाँ पे अपना iThemes अगर ओपन करता हूँ तो गाइस जो है मेरा iThemes में मेरी जो फाइलें थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं, और मैं यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरी जो पहली थीम थी MIUI वाली डार्क थी, तो ये आप देख सकते हैं MIUI डार्क वाली जो थीम से अप्लाई हो गई। उसके बाद में आपको फिर से एक थीम से अप्लाई करता हूँ जो मैंने सेकेंडरी थी, तो ये भी अप्लाई होगी। तो इस तरीके से जो आपकी थीम सप्लाई की प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपका कोई भी फ़ोन हो वीवो का, उसमें आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, और ये जो फाइल है आपके फ़ोन में 101% इंस्टॉल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉलेशन में। अगर कभी कभार अगर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आपको करना क्या है कि सेटिंग्स में जाना है, मोर सेटिंग्स में जाएंगे फिर, और उसके बाद में आपको ऐप मैनेजर में जाना है। तो यहाँ पे ऐप मैनेजर में जाना है, उसके बाद में आपको iThemes में जाना है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, iThemes में जाएंगे और यहाँ से क्या अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है एक बार, अगर प्रॉब्लम आती है तो, वरना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप का आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।